Hello friends, welcome to e-learning. I'm Alok in front of you with the sixth chapter of your novel, The Story of My Life by Helen Keller. Now the summary of the sixth chapter. Learning language is a slow and painful process for a deaf and a blind person. एक ये लर्निंग प्रोसेस जो था लैंग्वेज सीखने का ये काफ़ी पेनफुल प्रोसेस होता है एक ऐसे पर्सन के लिए जो डीफ भी है बहरा भी है और ब्लाइंड भी है अंधा भी है बट द रिजल्ट इज़ वंडरफुल लेकिन इसका जो रिजल्ट निकल रहा था वो बड़ा ही खूबसूरत आ रहा था हेलन हैड लर्न मैनी वर्ड्स हेलन ने बहुत सारे नए शब्दों को सीखा एंड हर एरिया ऑफ इंक्वायरी ब्रॉडनेड और उसके इंक्वायरी का जिज्ञासा का जो सिलसिला था वो काफ़ी बड़ा होता चला जा रहा था और वो नई चीज़ों को इंक्वायरी कर रही थी शी रिटर्न टू द सब्जेक्ट अगेन वो दोबारा उसी सब्जेक्ट पर आ जाती है अगेन एंड अगेन फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन ताकि वो आगे की और भी इंफॉर्मेशन ले सके वन डे और एक दिन हेलन ब्रॉट वायलेट्स टू हर टीचर वो अपनी टीचर्स के लिए अपनी टीचर के लिए एनी सुलिवा के लिए वायलेट्स लेकर आती है फूल लेकर आती है मिस सुलिवा ट्राइड टू किस हर और इस बात पर मिस सुलिवा उसे किस करने की कोशिश करती हैं बट शी डिड नॉट लाइक इट लेकिन हेलन को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता सो सुलिवा पुट हर आर्म अराउंड हेलन टू शो हर अफेक्शन और इसलिए मिस सुलिवा जो थी उसके कंधे पर हाथ रखती हैं ताकि वो अपना अफेक्शन अपना प्यार और लगाव उसे बता सके एंड स्पेल इन टू हर हैंड और उसके हाथ में स्पेल करती हैं आई लव हेलन मैं हेलन को लव करती हूँ लव इट वॉज अ न्यू वर्ड फॉर हेलन ये हेलन के लिए एक नया शब्द था सो शी आस्क हर द मीनिंग ऑफ लव और इसीलिए वो सुलिवा से लव का मतलब पूछती है मिस सुलिवा पॉइंटेड आउट टूवर्ड्स हर हार्ट और वो उसके हार्ट की तरफ उसके दिल की तरफ इशारा करती हैं एंड टोल्ड हर और उसे बताती हैं दैट लव लिव्स हियर कि प्यार यहाँ रहता है बट मिस सुलिवा कुड नॉट शो हर व्हाट लव इज और मिस सुलिवा लेकिन उसे ये नहीं बता पाती कि प्यार कहाँ रहता है आफ्टर सम डेज और कुछ दिनों के बाद हेलन वॉज अरेंजिंग द बीड्स इन अ सिस्टमेटिकल पैटर्न जब हेलन कुछ मोतियों को एक सिस्टमेटिकल पैटर्न में अरेंज कर रही थी बट फाउंड इट डिफिकल्ट लेकिन उसको ये बहुत मुश्किल लगता है मिस सुलिवा टच हर फोरहेड वो उसके सर को उसके माथे को छूती हैं एंड स्पेल और वर्ड स्पेल करती हैं थिंक ऑन हर हैंड उसके हाथ में शी अंडरस्टूड दैट मिस सुलिवा टच हर फोरहेड वो उसके माथे को छूती हैं एंड स्पेल थिंक और उस पर थिंक स्पेल करती हैं ऑन हर हैंड उसके हाथ पर शी अंडरस्टूड दैट द वर्ड इज द नेम ऑफ द प्रोसेस गोइंग ऑन इन हर माइंड सुलिवा एनी हेलन को ये समझ में आ जाता है कि जो वर्ड स्पेल किया गया है थिंक उसका मतलब है कि उसके दिमाग में कुछ चल रहा है दिस वर हर फर्स्ट कॉन्शियस परसेप्शन ये उसका पहला कॉन्शियस परसेप्शन था ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया लेटर ही हर टीचर एक्सप्लेन दैट लव कैन नॉट बी टच बाद में मिस सुलिवा उसे समझाती हैं कि ये वर्ड लव भी ऐसा ही है जिसे टच नहीं किया जा सकता बट यू कैन फील इट लेकिन तुम इसे महसूस कर सकते हो द स्वीटनेस उसकी मिठास को दैट लव पोज इन टू एवरीथिंग जो प्यार हर एक चीज़ के अंदर पैदा करता है विदाउट लव और बिना प्यार के अ पर्सन वुड नॉट बी हैप्पी और वांट टू प्ले वो ना ही खुश रह सकता है और ना ही वो खेलना चाहता है मिस सुलिवा एंकरेज हर टू पार्टिसिपेट इन द कन्वर्सेशन मिस सुलिवा उसको बार बार एंकरेज करती हैं प्रोत्साहित करती रहती हैं कि वो कन्वर्सेशन करे बातचीत करे विच वॉज अ डिफिकल्ट टास्क जो कि एक मुश्किल काम था फॉर अ डीफ एंड अ ब्लाइंड एक बहरे और एक अंधे के लिए मिस सुलिवा ऑल्सो प्रोवाइड हर सेवरल वर्ड्स मिस सुलिवा उसको कई वर्ड्स भी प्रोवाइड करती हैं एंड ईडियम्स कुछ मुहावरे भी सिखाती हैं टू एक्सप्रेस हेलन्स थॉट ताकि हेलन अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सके बाय स्पेलिंग इनटू हर हैंड उन वर्ड्स को अपने हाथ में स्पेल आउट करके दिस प्रोसेस कंटिन्यूड फॉर सेवरल ईयर और ये जो सिलसिला था कुछ सालों तक ऐसे ही चलता रहा एंड ग्रेजुअली शी केम ऑन द राइट ट्रैक और जाहिर था धीरे धीरे वो राइट ट्रैक पर आती चली गई This was the summary of the sixth chapter. If you like it, press the like button and subscribe the channel. Thank you.